कि पाकिस्तान बनने के बाद जो जिहाद की मेंटेलिटी थी और जो मुस्लिम लीग की सोच थी वो पूरी की पूरी माइग्रेट कर गई। नहीं, हमारे पास वैसी साहब हैं, हमारे पास वारिस पठान नाम का एक उनका एमपी है, पहले उसका आज मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, वो कहता है हम 15 करोड़ हैं लेकिन हम 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। अरे बेवकूफ, चाहे तू क्या, किसका काम कर रहा है, किसकी नौकरी में भाई, बता तो मुझे। ये आज भी वही है और ये आज ये अलग नहीं, ये कभी अलग नहीं थे। आज हर स्टेटमेंट ये एमआईएम के लोगों का उसी मेंटेलिटी का है, उसी सपोर्ट का है। इनका बस चले तो आज फिर साथ में हुकूमत बना ले, जैसे सिंध में बनाई थी, बंगाल में बनाई थी। ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस देश में इतने बरसों के बाद अचानक आम इंसान जागा है, अचानक उसको ऐसा लगा है कि ये तो कुछ अच्छा हो रहा है, अभी हमें एक होना है। ये एकता जो आज मैं देख रहा हूं, ये बड़े दिनों से सो रही थी, मरी नहीं थी मगर सो सी गई थी। आज उस एकता के समय में तुम बता रहे हो कि तुम 15 करोड़ हो, तो तुम 15 करोड़ ही रहोगे, 16 नहीं हो पाओगे। क्या आदमी हो तुम, क्या बात करते हो तुम। उस एकता को, उस जागृति को तोड़ने की और मिटाने की कोशिश में उनके साथ हो। और ये तुम्हें किसने राइट दे दिया, 15 करोड़ का ठेका तुम्हें किसने दिया, कौन हो तुम ये 15 करोड़ का ठेका लेने वाले, जैसे कि आरएसएस है, वीएचपी है, ये हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं के बिहाफ पे बात करते हैं, हिंदुओं ने राइट दिया है क्या भाई, कि आप जो है आपने ठेका ले लिया सबका। वो तो नहीं मानते आपको भाई, अगर मानते होते तो आपको 31% वोट थोड़ी मिलता, 80% वोट मिलता। ये लोगों से हमको चौंकना है, ये कहां ले जाना चाहती है, कौन है ये, किससे प्रभावित। गुरु गोलवालकर जी की किताब में अगर किसी की तारीफ है तो वो है हिटलर की। उनकी दो किताबें हैं, एक अ बंच ऑफ थॉट्स और दूसरी वी और द नेशन डिफाइंड। उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि हमको हिटलर से जो माइनॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है ना, ये हिटलर से सीखना चाहिए जो उसने किया। मगर हिटलर से एक और बात भी सीखनी हमें चाहिए, कि दुश्मनी सिर्फ जू से थी हिटलर, बाकी जर्मनी से कोई प्रॉब्लम नहीं था उसे। उसने जूस को जब कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया, ये डिटेंशन कैंप में भेजना चाहते हैं, तो क्या बाकी लोगों को आराम से रहने दिया, सब खुश थे, किसी पे कोई दबाव नहीं था। गलत, वो चाहे कोई भी फासिस्ट हो, वो एक दुश्मन पैदा कर, यही तो जिन्हों ने बताया था कि अगर हिंदुस्तान आजाद हो गया और तुमने अलग मुल्क नहीं बनाया तो हिंदू तो तुम्हें खा जाएंगे, खत्म कर देंगे तुम्हें। भाई मैं तो नहीं खत्म हुआ, मैं तो ठीक हूं, मगर ये खौफ जो पैदा करते हैं उसके बाद क्या हुआ। मैं इस बुरे से बुरे वक्त में आज जो मेरे पास आजादी है और टंके की चोट पर मैं बोल सकता हूं, आज भी पाकिस्तान में कोई मुसलमान नहीं बन पाया।